ऊपर मैंने लिए हैं 6 से 7 उबले हुए आलू। बस आपको कुछ नहीं चाहिए इस चाट को बनाने के लिए, सबसे जल्दी बनती है, मेहनत बिल्कुल ना के बराबर, कोई भी बना सकता है, बिगनर बैचलर कोई भी इस चाट को। और ये आलू वड़ा चाट इतनी टेस्टी बनेगी कि आप आलू की टिक्की पैटीज वड़ा सब भूल जाएंगे, इसी को बनाएंगे। तो चाट बनाने के लिए आलू को मैंने पहले ही उबाल लिया था और उबालने के बाद बिल्कुल बढ़िया से आलू को ठंडा कर लिया। सबसे जरूरी पॉइंट, आलू पूरी तरह जब ठंडे हो जाए तभी आपको ये लेने हैं। अब यहाँ आलू को ना तो आपको मैश करना है, ना ग्रेट करना है, ना ही आपको हाथ से इसको क्रश करना है। ये देखिए टेक्निक, ऐसे आलू उठाइए, मीडियम साइज के आलू उबालिएगा और इस तरह हथेली पर रखकर बीच में से हल्के से ऐसे प्रेस कर दीजिए और इसको वड़े जैसी शेप दे दीजिए। देखिए इस तरह, है ना आसान तरीका। बस आपको और कुछ भी नहीं करना है, बस आलू लीजिए, आलू को हथेली पर रखकर इस तरह दबा दीजिए हल्का सा, ये देखिए परफेक्ट। तो सभी इसी तरह से आलू बड़ा तैयार कर लेंगे प्रेस करके। तो लीजिए, मैंने सारे आलू इस तरह से प्रेस करके तैयार कर लिए हैं, हमारे आलू बड़ा की टिकिया है तैयार। अब आप लीजिए एक बड़ा बोल, इसमें मैं डाल रही हूँ 4 से 5 बड़ा चम्मच अरारोट पाउडर, साथ ही यहाँ पर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और ये मैं डाल रही हूँ मोटी कुटी हुई लाल मिर्च 1 छोटी चम्मच, यानी रेड चिली फ्लेक्स, अगर हो तो इस तरह डालिएगा बढ़िया लगती है, वरना आप सिंपल अपनी रेगुलर वाली मिर्च भी डाल सकते हैं। साथ में डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच चाट मसाला, चाट मसाला ना हो तो सिंपल यहाँ आमचूर पाउडर डाल लीजिएगा, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्ची पाउडर। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर। सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप कहेंगे पारुल अगर अरारोट ना हो तो, अगर आपके पास अरारोट पाउडर की सुविधा नहीं है तो आप यहाँ पर ले सकते हैं कॉर्न स्टार्च, जिसे आप कॉर्नफ्लावर भी बोलते हैं, या फिर आप मैदा या चावल का आटा भी ले सकते हैं और थोड़ा मिक्स करके भी ले सकते हैं, यानी मैदा और चावल के आटे को थोड़ा थोड़ा समान मिक्स करके उसका घोल भी आप तैयार कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 से 3 बड़ा चम्मच पानी और इसका गाढ़ा घोल बनाएंगे, बहुत ज्यादा पतला नहीं, मतलब ऐसे समझिए कोटिंग कंसिस्टेंसी, कि जब हम आलू को डिप करें तो वो बढ़िया से कोट हो जाए। अरारोट लेने से फायदा यह है कि बहुत ही अच्छा टेक्सचर और क्रिस्पी आएगा, और ये एक प्लांट से बना हुआ होता है, हर्बल होता है, तो आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर बस ये मसाले ना डालें, फिर आप सेंधा नमक और काली मिर्ची पाउडर डालें जो आप व्रत में खाते हैं। लीजिए तो घोल भी हमारा तैयार हो गया है। बस इस आलू वड़ा चाट को बनाने के लिए इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। अब आप गैस पर चलाइए, इस तरह का कोई पैन ले लीजिए या कोई तवा, और उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी, चाहे तो ऑयल ले सकते हैं। घी में सिकी हुई ये आलू बड़ा चाट वगैरह ना टेस्टी बहुत लगती है, बहुत ही कम घी तेल में ही हमारा काम बन जाएगा, बिल्कुल आपको डीप फ्राई करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मात्रा में टिक्की की तरह तेल लेने की भी जरूरत नहीं है। अपने अरारोट वाले घोल को एक बार बिल्कुल बढ़िया से चला लेंगे। अब आप लीजिए एक आलू जो अभी हमने दबा कर रखा था ना आलू बड़ा बना करके, बस इसे इस तरह लेंगे और इस घोल में इस तरह से डिप करेंगे। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से आप देख सकते हैं आलू बड़ा कोट हो रहा है हमारे अरारोट घोल में। मीडियम फ्लेम पर घी को भी मैंने बढ़िया से गर्म कर लिया था, तो धीरे धीरे करके अपने आलू बड़ा इस तरह से लगाते जाएंगे, एक बार के बैच में जितने आ जाएं, बहुत ही कुरकुरी बनेगी अभी आप देखिएगा, मस्त, मतलब ऐसे ही खा लेंगे आप इसको सिकने के बाद। फ्लेम को मीडियम लो कर देंगे अब और बढ़िया से एक साइड से बढ़िया से अपने आलू बड़ा सिकने देंगे। जनरली जब हम आलू की टिक्की वगैरह बनाते हैं तो बहुत सारा अरेंजमेंट करना पड़ता है, आलू पूरे मैश करने पड़ते हैं बढ़िया से लम्स ना रहे, उसके बाद घी तेल भी बहुत ज्यादा लगता है, और फिर टिक्की कुरकुरी बनेंगी या नहीं ये भी नहीं पता होता। हालांकि आलू टिक्की के मैंने 3 वीडियो आपके साथ शेयर किए हुए हैं, वीडियोस का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस तरह बनाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा आलू टिक्की खा करके। लेकिन एक क्विक वाली आलू चाट आपको बनानी है तो आप इसे जरूर ट्राई करें, बहुत बहुत बढ़िया बनती है। और ये देखिए आराम से घूम रहे हैं, यानी नीचे से ये सिक गए हैं, तो बस हल्के हल्के से बढ़िया गोल्डन कलर मुझे दिख रहा है, धीरे से इनको पलट देंगे। सुपर, ये देखिए क्रिस्पी क्रंची बिना मेहनत के, बिल्कुल भी आपको फीके नहीं लगेंगे, मस्त मैंने इसका घोल तैयार किया है, और जिस तरह से अभी हम इसे प्रेजेंट करेंगे फिर तो मजा ही आ जाएगा। और नीचे से भी लो मीडियम फ्लेम पर बिल्कुल बढ़िया से अपने आलू बड़ा को सेक लेंगे। और ये देखिए सिर्फ 5 मिनट लगे हैं, दोनों साइड से आलू बड़ा बिल्कुल बढ़िया क्रिस्पी कलर का दिख रहा है, गोल्डन एकदम करारे करारे सिक गए हैं, सभी को निकाल लेंगे। और ये देखिए तेल भी जो हमने डाला था वो भी बच गया है, और सेकंड बैच के आलू बड़ा भी इसी तरह से सेकेंगे। तो चलिए जब तक हमारे दूसरे आलू बड़ा सिक रहे हैं, फटाफट तैयारी करते हैं आलू बड़ा चाट बनाने की। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ स्ट्रीट स्टाइल चटपटी चटकारेदार हरी चटनी। चटपटी चटकारेदार चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक ग्राइंडिंग जार, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 मुट्ठी हरा भरा फ्रेश धुला हुआ हरा धनिया, थोड़ा सा डंठल सहित लीजिएगा, टेस्ट बढ़िया आता है। साथ ही यहाँ पर डाल रही हूँ 2 से 3 हरी मिर्च,
और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, आधा छोटी चम्मच काला नमक, आधा छोटी चम्मच जीरा, 2 पिंच हींग, आधा छोटी चम्मच चाट मसाला, अगर चाट मसाला ना हो तो यहाँ पर आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। साथ ही यहाँ पर डाल रही हूँ बढ़िया सा टेस्ट और बढ़िया कलर आने के लिए 1 बड़ा चम्मच दही, हल्का सा खटास वाला दही है तो एकदम बढ़िया फ्लेवर आ जाएगा। साथ में डालेंगे थोड़ा सा पानी और बढ़िया से पीस लेंगे। ये देखिए एकदम शानदार हमारी चटपटी मजेदार हरी चटनी है बिल्कुल तैयार। अब चाट बिना खट्टी मीठी वाली चटनी के तो अधूरी सी है। मैं आपको एकदम इंस्टेंट वाला तरीका बता रही हूँ मीठी चटनी बनाने का। आप लीजिए एक कोई चायदान या इस तरीके का पैन ले लीजिए। इसमें मैं डाल रही हूँ लगभग 3 बड़ा चम्मच इमली, जो सीडलेस इमली होती है ना, मैंने बीज हटा दिए हैं इसके। और इसी के साथ यहाँ पर हम डालेंगे 4 बड़ा चम्मच गुड़ यानी जैगरी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ लगभग 1 कप से थोड़ा सा कम पानी। अब पैन को चलाएंगे गैस पर और इस तरह से बढ़िया से इसमें बॉईल आने देंगे जिससे सब चीजें एकदम घुल जाएं और इमली बिल्कुल मुलायम हो जाए। अब जैसे ये मैंने गुड़ डालकर बनाई है, गुड़ ना हो तो आप चीनी भी डाल सकते हैं। और ये देखिए एकदम बढ़िया गाढ़ी हमारी मीठी चटनी हो गई है। तो बस इतना ही हमें इसको गाढ़ा करना है, गैस को ऑफ कर देंगे। अब एक बोल लेंगे और बोल पर एक छलनी लगा करके इस पूरे मिक्स को हम छान लेंगे। जो भी इसमें रेशे वगैरह होंगे वो सब अलग हो जाएंगे। और ये लीजिए मैंने बिल्कुल बढ़िया से पूरे मिक्स को छान लिया है, ये देखिए। तो बस इसमें अब डालेंगे कुछ फ्लेवरफुल मसाले। 1/4 छोटी चम्मच डालेंगे काला नमक, थोड़ा सा डालेंगे सफेद नमक, थोड़ा सा जाएगा लाल मिर्ची पाउडर, आधा छोटी चम्मच भुना जीरा पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच डालेंगे गरम मसाला। इसमें सारे मसाले होते हैं ना, सब चीजों को बिल्कुल बढ़िया से मिक्स कर देंगे। लीजिए हमारी इंस्टेंट मीठी चटनी है बिल्कुल तैयार। अब फटाफट से तैयार कर लेते हैं चाट वाला दही। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल ताजा दही लिया है, घर का जमा हुआ दही है और थोड़ा गाढ़ा दही लिया है। अब दही को एक बिस्कर या एक मथरी से ना बढ़िया से फेंट लीजिए। ये देखिए एकदम स्मूथ क्रीमी। और इसमें यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 छोटे चम्मच चीनी, इससे ना मीठा मीठा दही सा हो जाता है। साथ ही डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच नमक, बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि सभी चीजों में नमक है। अच्छा दही को अगर अभी यूज नहीं करने वाले हो ना तो नमक बिल्कुल जब आप सर्व करें उसी टाइम पर इसमें मिक्स कीजिएगा, वरना दही ना खट्टा हो जाता है, पानी भी छोड़ देता है। अच्छे से चीनी को बिल्कुल मिक्स कर लेंगे। और ये लीजिए एकदम क्रीमी स्मूथ हमारा चाट वाला दही है बिल्कुल तैयार। तो इसको रखते हैं अलग, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। और हमारे सेकंड बच के आलू बड़ा भी सीख गए हैं। फटाफट से असेंबल करते हैं आलू बड़ा चाट को। एक प्लेट लेंगे और अपने आलू बड़ा इस तरह से लगा देंगे। अब सबसे पहले इसके ऊपर हम डालेंगे फिटा हुआ दही। सुपर, आप जितनी क्वांटिटी में डालना चाहते हैं अपने अनुसार आप आलू बड़ा चाट को असेंबल कर सकते हैं। अब इसके ऊपर जाएगी हरी वाली चटनी, साथ में गई मीठी वाली चटनी। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, हींग जीरा पाउडर और हल्का सा काला नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो मुझे बनाते बनाते वक्त तक ही मुंह में पानी आ रहा है, एकदम जबरदस्त डिलीशियस वाली आलू बड़ा चाट तैयार होती है। साथ में डाल रही हूँ ऊपर से इसको क्रंची क्रंची टेस्ट देने के लिए, बाजार जैसा स्ट्रीट स्टाइल वाली चाट का लुक आ जाए, थोड़ी सी बारीक वाली सेव, जो चाट पे डालते हैं ना जीरो साइज वाली, बस वही, और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। लीजिए तैयार है हमारी मिनटों में बेहद टेस्टी और जबरदस्त कुरकुरी वाली आलू बड़ा चाट एक यूनिक स्टाइल में। तो बताइए किसी आलू टिक्की चाट से कम लग रही है? खाएंगे तो उससे कहीं ज्यादा टेस्ट पाएंगे। ये देखिए सुपर, एक पीस खाने के बाद आप रुक नहीं पाएंगे, लगातार खाते ही चले जाएंगे, ये इतनी टेस्टी बनती है। अब ये मैंने जैसे चाट की तरह बनाया, आप इसको सिंपल चटनी और सॉस के साथ ऐसे ही सर्व कर दीजिए, ऐसे ही खा लेंगे। और अगर व्रत में बना रहे हैं तो सेंधा नमक और काली मिर्च का यूज कीजिएगा और इसी तरह से अरारोट के साथ बनाइएगा और साथ में सर्व कीजिएगा व्रत वाली चटनी, जो आप मेरी व्रत की रेसिपीज में देख सकते हैं। सभी वीडियोस के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप उनको देख के व्रत की चटनी, व्रत का रायता, व्रत के पराठे सब बना सकते हैं आसानी से। जरूर जरूर बनाइए, 100% मस्ट ट्राई रेसिपी है, बहुत पसंद आएगी। और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट में जरूर बताएं कैसी लगी आपको।